तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि Realme 6i डिवाइस में एक Realme UI 2.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है C.13 का। तो गाइस इस अपडेट में आपको क्या क्या न्यू चेंजेस देखने के लिए मिला है इसका करेंगे फुल रिव्यू। इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि जिन यूजर्स को अभी तक C.13 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला तो गाइस उन्हें कब तक देखने के लिए मिलेगा एंड गाइस ये अपडेट का फाइल साइज आपको कितना देखने के लिए मिला है। तो गाइस आप भी Realme 6i डिवाइस के यूजर्स तो गाइस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना बिकॉज मैं भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस Realme 6 डिवाइस में Realme UI 2.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है C.13 का। तो गाइस अगर आप भी Realme 6 डिवाइस के यूजर्स तो गाइस आप अपने डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे जरूर चेक करें क्योंकि गाइस C.13 का अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो गया है। अगर बात करें गाइस इसके फाइल साइज के बारे में तो गाइस इसका फाइल साइज आपको यहाँ पे काफी छोटा देखने के लिए मिल जाता है 154 MB का देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें गाइस कि Realme 6 डिवाइस में जो C.13 का अपडेट देखने के लिए मिला तो गाइस इस अपडेट में आपको क्या-क्या अपडेट लॉग देखने के लिए मिला है तो गाइस यहाँ पे आपको सितंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। ये काफी अच्छी बात है कि गाइस आपको सितंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें गाइस यहाँ पे नेक्स्ट चेंजेस के बारे में तो वो है गाइस यहाँ पे ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी यानी कि गाइस ऑप्टिमाइज कर दिया गया सिस्टम परफॉर्मेंस को एंड गाइस यहां पे इंप्रूव कर दिया गया सिस्टम स्टेबिलिटी को। तो गाइस यहां पे जो Realme 6 डिवाइस में C.13 का अपडेट देखने के लिए मिला है तो गाइस ये कुछ सारे चेंजेस है जो कि आपको यहां पे C.13 के अपडेट में देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें गाइस कि जिन Realme 6 डिवाइस के यूजर्स को अभी तक C.13 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला तो गाइस उन्हें कब तक देखने के लिए मिलेगा तो गाइस आप यहां पे थोड़ा सा और वेट कर लो यार, अप्रोक्स 1 वीक के अंदर अंदर सभी यूजर्स को ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस आप यहां पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते आना क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि अपडेट जो पहली बार देखने के लिए मिलता है वो गाइस यहां पे कुछ ही यूजर्स को देखने के लिए मिलता है। उसके बाद गाइस अपडेट को स्टे कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट बैच में देखने के लिए मिलता है। तो गाइस अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है, उसमें से भी गाइस अप्रोक्स 1 आवर के लिए अपडेट देखने के लिए मिलता है। गाइस इसी वजह से आप यहां पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को जरूर चेक करते आना। और हां गाइस अगर आप अपने Realme 6 डिवाइस को C.13 में अपडेट कर लिए तो गाइस आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि C.13 में अपडेट करने के बाद Realme 6 डिवाइस का परफॉर्मेंस कैसा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।